Hi students, here's a new chapter for you that we are going to begin. Let's study and revise. Okay, so the first question we have is, recognize the true meaning of balance of payments. BOP ka true meaning find out karna hai hamein. The first option is, it records only the exports and imports in goods and services and transfer payments. Now, in case of MCQs, you need to be very careful. कई बार क्या होता है कि ये ओनली जैसे वर्ड्स को यूज करके हमारे ऑप्शन को ना रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं. एंड यू शुड नो वन थिंग कि जो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट्स जो ये टर्म है, इट इज अ वेरी वाइडर टर्म. इसमें हम सिर्फ ये नहीं कह सकते कि हम इसमें सिर्फ एक्सपोर्ट्स इम्पोर्ट्स ही ले रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज की, और हम कुछ नहीं ले रहे, राइट. Second option, it records the transactions in goods, services, assets between residents of a country with the rest of the world. अगर मैं यहाँ पे देखूँ, then between both these options, this is a better option, क्योंकि इसमें ये भी बता रहे हैं कि ये जो transaction है between whom, किसके बीच में ये transaction conduct करी जा रही है. So ये है between residents of a country with the rest of the world. And third में it records remittances, gifts and grants. क्या इसमें सिर्फ हम यही कर रहे हैं? तो ऐसा नहीं है, because this is an incomplete definition. तो BOP में basically BOP क्या है? Let me give a short introduction. उसमें क्या होता है? ये एक financially, एक accounting method होता है, ठीक है, of the government, in which the government is able to calculate its accounting transactions with the foreign countries. फॉरेन कंट्रीज के साथ कितना एक्सपोर्ट हो रहा है हमारा, कितना इंपोर्ट हो रहा है, ठीक है, उसका बैलेंस कितना आ रहा है, राइट. हमारा फेवरेबल बैलेंस आ रहा है, इक्विलिब्रियम है या डेफिसिट है. सो दीज आर ऑल द काइंड्स ऑफ थिंग्स दैट वी आर गोइंग टू लर्न थ्रू बैलेंस ऑफ पेमेंट्स. सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, A balance of payment account of a country is always in balance because it is based on the principle of dash. अब ये कह रहे हैं कि balance of payment account जो है किसी भी country का, वो हमेशा balanced रहता है, ठीक है. balanced रहता है मतलब यहाँ पे जो बात हो रही है balance की, that is between credit and debit. जैसे हमारे accounts में हम credit and debit को हमेशा equal करते हैं, ठीक है. Similarly, BOP account भी हमारा क्या है? It is related to accounts. Mathematics नहीं है इसमें, कोई statistics भी नहीं है, because statistics is basically for decision making. ये जो हम balancing कर रहे हैं, this is done through accounts. And economics भी यहाँ पर नहीं है. हाँ, this is a part of economics, but ये जो balance word यहाँ पे use करा है, this is important, क्योंकि ये balance word हमें ये बता रहा है यहाँ पे, that ये जो हम equal कर रहे हैं, equate कर रहे हैं इसे, इसके पीछे का हमने रीजन बताना है. सो यू विल नॉट यूज इकोनॉमिक्स हियर. सम ऑफ द स्टूडेंट्स माइट बी थिंकिंग कि यहाँ पे ये टॉपिक ही हम पढ़े इको रहे हैं, तो हम इसमें इको को कर देते हैं. नो, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने जो एक चीज पूछ ली है कि बैलेंस क्यों रहता है हमेशा, सो दैट इज ड्यू टू अकाउंट्स. Under the balance of payment structure of a nation, the two main categories of accounts for the classification of the transactions. BOP में हम जब अपनी transactions करते हैं, BOP में हम अपनी ट्रांजेक्शन को दो मेन कैटेगरीज के अंडर डिवाइड करते हैं, ठीक है. हमारी सारी ट्रांजेक्शन बेसिकली दो में डिवाइड हो जाती हैं. एक है करंट अकाउंट, एक है कैपिटल अकाउंट, ठीक है. इन विच करंट अकाउंट इज बेसिकली रिलेटेड टू द एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स, एंड जो कैपिटल अकाउंट है वो मोस्टली रिलेटेड होता है थ्रू इन्वेस्टमेंट, लोन्स एटसेट्रा. मतलब इसमें ये सारी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन आती है लॉन्ग टर्म नेचर वाली, ठीक है. एंड इसमें हम एसेट्स लाइबिलिटीज की बात करते हैं कैपिटल अकाउंट में, ठीक है. सो वन एंड थ्री इज माई आंसर. वन एंड थ्री इज ऑप्शन नंबर बी. सो यहाँ पे जो मेरा करेक्ट आंसर है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी. ओके, कमिंग टू द अदर ऑप्शन, यहाँ पे बोल रहे हैं यूनिलेटरल ट्रांसफर अकाउंट. यूनिलेटरल ट्रांसफर का मतलब होता है यूनि मतलब वन, ठीक है. जैसे यहाँ पे स्कॉलरशिप है या फिर कोई भी गिफ्ट है, इसमें हमें इन रिटर्न कुछ नहीं मिलता. अगर मैंने यहाँ पे फॉरेन में किसी को कोई गिफ्ट सेंड किया है, देन ये बेसिकली किसमें आएगा? यूनिलेटरल में, बिकॉज उस गिफ्ट के अगेंस्ट मुझे कोई पेमेंट नहीं मिलेगी. तो ये सिर्फ वन साइडेड पेमेंट होती है, ठीक है. एंड ये जो लोन अकाउंट है, दिस इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल अकाउंट. तो हमारी दो ब्रॉड हेडिंग्स यही आएंगी, एक है करंट अकाउंट, सेकेंड इज कैपिटल अकाउंट. Okay, read the following statements carefully and choose the correct alternative. You have two statements here and aapko correct alternative dekhna hai.
The current account includes the export and import in goods and services and transfer payments. ये basically एक perfect definition है which is telling you about the current account. कि current account में actually कौन सी चीजें include होती हैं? एक तो है exports, imports और वो भी goods and services दोनों में. ये भी ध्यान रखना है हमें. And transfer payments भी होती हैं. Transfer payments फिर से वही होती है one-sided वाली. स्टेटमेंट टू में बोल रहे हैं ट्रेड एंड सर्विसेज इज डिनोटेड एज इनविजिबल आइटम्स एंड इसमें हम क्या क्या इंक्लूड करते हैं फैक्टर इनकम एंड नॉन फैक्टर इनकम. ठीक है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का मतलब होता है अगर हमें कोई इनकम अब्रॉड से मिल रही है. नॉन फैक्टर इनकम का मतलब होता है जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं होती. ठीक है, सो ये है फैक्टर एंड नॉन फैक्टर इनकम. इनविजिबल आइटम्स वो होती है जिन्हें हम देख नहीं सकते, तो इसमें हमारी सर्विसेज इंक्लूड हम करते हैं कि जो भी सर्विसेज हम फॉरनर्स मतलब फॉरेन कंट्रीज को दे रहे हैं. ठीक है, या फिर उनसे कोई ले रहे हैं हम, सो दैट इज रिलेटेड टू इनविजिबल आइटम्स एंड ये सर्विसेज भी हम करंट अकाउंट में ही लेते हैं. राइट, इनफैक्ट एक बहुत बड़ा डिफरेंस बैलेंस ऑफ पेमेंट और बैलेंस ऑफ ट्रेड में यही है. एक्चुअली बैलेंस ऑफ पेमेंट में हम गुड्स एंड सर्विसेज दोनों लेते हैं एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड जो पहले होता था मतलब अभी भी होता है उसमें हम सिर्फ गुड्स को ही लेते हैं, एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स, दैट्स इट. उसमें सर्विसेज कंसिडर नहीं होती. सो दिस इज द डिफरेंस. ओके, नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इंडिविजुअल आइटम्स. इनमें से कौन सा एग्जाम्पल नहीं है इंडिविजुअल आइटम्स का अंडर द करंट अकाउंट ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट्स ट्रांजेक्शन. इनमें से कौन सा नहीं है एग्जाम्पल. अब मैंने आपको अभी इनविजिबल आइटम्स बताई, इसमें हमारी सर्विसेज आती है, एनी काइंड ऑफ सर्विसेज दैट वी प्रोवाइड. ठीक है, टू द फॉरेन कंट्रीज या हम उनसे कोई भी सर्विसेज लेते हैं, कोई भी ऐसी चीज जो हम स्टोर करके नहीं रख सकते एंड जो एक्चुअल में इनविजिबल आइटम्स है, तो वो कौन सी नहीं है इसमें. एयर एंड सी ट्रांसपोर्ट. अब ये जो हमारी एयर इंडस्ट्री होती है, सी इंडस्ट्री होती है, बेसिकली दीज आर द सर्विसेज. ये हमें सर्विसेज ही प्रोवाइड करती है. सो ये तो है हमारी सर्विस. एजुकेशन रिलेटेड ट्रैवल. हम एजुकेशन को देख नहीं सकते, तो एजुकेशन से रिलेटेड अगर कोई भी ट्रैवलिंग की सर्विसेज है, तो ये सारी हमारी इनविजिबल आइटम्स में आती है. पोस्टल एंड कूरियर, ये भी सर्विसेज होती है. ठीक है, जैसे हमारे घर में कूरियर्स आते हैं, तो हमें सर्विस मिल रही है एक. ठीक है, दीज आर ऑल्सो सर्विसेज. मर्चेंडाइज लिंक्ड ट्रांजेक्शंस. अब कई स्टूडेंट्स को इसमें समझ ये नहीं आएगा कि मर्चेंडाइज का मीनिंग क्या है. सो दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. मर्चेंडाइज का बेसिक मीनिंग होता है स्टॉक और इन्वेंट्री, यू कैन से. ठीक है, एंड स्टॉक या इन्वेंट्री, ये जो भी चीज है, ये बेसिकली एक विजिबल आइटम है, मुझे दिखती है बहुत अच्छे से. ठीक है, कि स्टॉक क्या है, इन्वेंट्री क्या है. सो मर्चेंडाइज लिंक्ड ट्रांजेक्शंस, स्टॉक से रिलेटेड कोई भी ट्रांजेक्शंस है, वो सारी हमारी इनविजिबल आइटम्स में आएंगी. ओके, अब हमें बताना है डैश आर द रिसीट्स व्हिच द रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री रिसीव फॉर फ्री विदाउट हैविंग टू मेक एनी प्रेजेंट और फ्यूचर पेमेंट्स इन रिटर्न. अब आपको ये बताना है इनमें से कौन सी ऐसी रिसीट्स हैं जो किसी कंट्री के रेजिडेंट्स फ्री में लेते हैं, रिसीव करते हैं, उन्हें कभी भी कोई भी पेमेंट इन रिटर्न नहीं करनी, ना ही आज करनी है और ना ही फ्यूचर में करनी है इन रिटर्न. सो ये हमारी ट्रांसफर पेमेंट्स होती है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था. And a very good example is gift. ठीक है, so gift एक ऐसी service है, या service नहीं कह सकते हम, gift एक ऐसी receipt है, अगर कोई person receive कर रहा है तो उसे कुछ return में नहीं देना है. ठीक है, capital receipt तो हमारी अलग होती है जिसमें हमारी liability increase होती है, I have told you already. And factor income वही होती है अगर हम कोई service receive कर रहे हैं तो उसकी जब हम payment करते हैं, तो इसमें payment हो रही है. ट्रांसफर पेमेंट में हम कोई पेमेंट नहीं करते. वर्ड में पेमेंट वर्ड जरूर आ रहा है, बट दैट डजंट मीन कि इसमें आप कोई पेमेंट कर रहे हो. द बैलेंस ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स इज रेफर्ड टू एज डैश. ये जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का जो बैलेंस होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम कहते हैं ट्रेड बैलेंस. ट्रेड बैलेंस का मतलब होता है कि एक कंट्री में जो ट्रेड हो रही है, बेसिकली ट्रेड क्या होती है, ट्रेड होती है एक्सपोर्ट करना और गुड्स को इंपोर्ट करना. ये जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट है, ये कितनी बैलेंस्ड है. ठीक है, अगर मेरा बैलेंस, अगर मैं अपने इस बैलेंस की बात करूं, मेरा ये बैलेंस अगर नेगेटिव आ रहा है, इसका क्या मतलब हुआ, नेगेटिव बैलेंस क्लियरली मीन्स दैट इंपोर्ट्स जो है मेरे,
वो डेफिनेटली मेरे एक्सपोर्ट से ज्यादा है, विच इज नॉट गुड फॉर अ कंट्री. ये चीज अच्छी नहीं है कि हम बाहर से ऑर्डर कर रहे हैं चीजें, हम इम्पोर्ट कर रहे हैं और हम एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, हम सेल कम कर रहे हैं बाहर, परचेज ज्यादा कर रहे हैं, तो ये नेगेटिव हो गया. सिमिलरली अगर बैलेंस पॉजिटिव होगा तो एक्सपोर्ट इज मोर देन इम्पोर्ट, तो ये ट्रेड बैलेंस हमें बताता है कि हमारी ट्रेड कितनी बैलेंस्ड है, हम कितना बैलेंस मेंटेन कर रहे हैं एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट में, राइट. अ स्ट्रेटजी ऑफ ग्रोथ दैट फेवर्स द डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, एक ऐसी स्ट्रेटजी आपको बतानी है जो कि हमेशा फेवर करती है डोमेस्टिक प्रोडक्शन को. डोमेस्टिक प्रोडक्शन मतलब प्रोडक्शन इन योर ओन कंट्री, अपनी कंट्री में जो प्रोडक्शन होती है, which are imported from the rest of the world is called what? अब domestic production of goods, कौन से goods की बात हो रही है? जो हम basically import करते हैं. जो goods लोग बाहर से import करते हैं, ऐसी कौन सी strategy है जो ये कहती है कि import को cancel करके इसको खुद produce करो, ठीक है, domestically produce करो उन goods को जो आप बाहर से order करते हो, right? So इसका मतलब होता है import substitution. See, अगर आपको ये क्वेश्चन ना भी आता हो ना, यू कैन इवन देन आंसर दिस क्वेश्चन हाउ. यहाँ पे मुझे क्या समझ आ रहा है, एक्सपोर्ट प्रमोशन का क्या मतलब है? यहाँ पे ये कह रहे हैं कि एक्सपोर्ट को प्रमोट करो, एक्सपोर्ट्स को इंक्रीज करो, दैट इज अ गुड थिंग. बट एक्सपोर्ट प्रमोशन का मतलब ये नहीं है कि वो ये बोल रहे हैं कि डोमेस्टिक प्रोडक्शन करो, राइट. डोमेस्टिक प्रोडक्शन यहाँ पे बात नहीं हो रही है. नेक्स्ट इज बैलेंस्ड ग्रोथ. बैलेंस ग्रोथ में तो यही है कि एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट इक्वल होने चाहिए. इसमें कोई ऐसा नहीं बोल रहा है कि अपनी कंट्री में प्रोड्यूस करो. एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है? एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट के बीच का जो भी बैलेंस होता है, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट के बीच का. इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन का मतलब ये है कि यहाँ पे हम बोल रहे हैं दैट सब्स्टिट्यूट करो, जो हम इम्पोर्ट करते हैं गुड्स, उन गुड्स को सब्स्टिट्यूट करो विद योर ओन produced goods, अपनी कंट्री के प्रोड्यूस करे हुए गुड्स से उनको सब्स्टिट्यूट करो, ठीक है. यू नीड टू सब्स्टिट्यूट द गुड्स. समझ ही आ रहा है, देखते कि इम्पोर्ट करने वाली चीजों को सब्स्टिट्यूट करो अपनी कंट्री की चीजों से. Assertion is balance of payment represents better pictures of an economic transaction with the rest of the world than the balance of trade. Okay. So यहाँ पे कह रहे हैं कि balance of payment एक better picture represent करता है एक country की as compared to balance of trade. मतलब balance of trade इतनी अच्छी पिक्चर नहीं रिप्रेजेंट करता, क्योंकि BOP जो है वो क्या चीज, it takes into account the exchange of both the invisible and visible items, whereas balance of trade doesn't. अब ये क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है. I already told you the basic difference between BOP and BOT. BOP में क्या आता है, services and goods दोनों आती है, and BOT में सिर्फ गुड्स आती हैं, राइट. सो व्हाई BOP इज बेटर, क्योंकि ये विजिबल आइटम्स मतलब गुड्स को भी कंसिडर करता है एंड इनविजिबल मतलब सर्विसेज को भी. सो बोथ आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है. एंड असर्शन रीजन के लिए आई टोल्ड यू अ वेरी नाइस शॉर्टकट. वो क्या है कि आप बिकॉज लगा के अपने स्टेटमेंट को जॉइन करके देख सकते हो. यहाँ पे क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट रिप्रेजेंट्स बेटर पिक्चर, ये सब स्टेटमेंट थी. बिकॉज BOP takes into account the exchange of both invisible and visible items. तो हाँ ठीक है, ये reason यही बता रहा है कि BOP क्यों better है, क्योंकि वो दोनों को लेता है. So it is correct. What not constitutes in capital account? कौन सी चीज capital account में नहीं आती? मैंने आपको बताया हर type की investment, loan, borrowings ये सब कुछ आती है. Invisible item हमारी services होती हैं, ये हमारी current में आती हैं. These items are not a part of capital account. Identify the correct alternative about autonomous items. Autonomous items का वो मतलब होता है जो actual में बिल्कुल independent items होती हैं. उन्हें state of BOP से कोई फर्क नहीं पड़ता. They are completely independent items. ठीक है? BOP negative है या positive है, इन transactions को उससे कोई link नहीं है. इस चीज से no link. तो ऑटोनॉमस, ऑटोनॉमस का वैसे नॉर्मल मीनिंग भी यही होता है, फ्रीडम, जिनके पास पूरी फ्रीडम है. तो ये ऐसे आइटम्स हैं जो हम ऑब्वियसली इनकर कर सकते हैं, लेकिन इनका हमारे बीओपी से कोई लिंक नहीं होता, राइट. इनको हम अबव द लाइन आइटम्स भी बोलते हैं, बिकॉज एक्चुअली ये बियॉन्ड बैलेंस ऑफ पेमेंट ही होती है. तो इसके ये बैलेंस ऑफ पेमेंट से ऊपर वाली आइटम्स होती है जो उसमें इंक्लूड नहीं होती, दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड अबव द लाइन आइटम्स. जरूरी नहीं है कि हमेशा वेलफेयर के लिए ही करी जाए, सो दिस इज नॉट नेसेसरी.
ये एक जनरल स्टेटमेंट नहीं है. Sometimes it is possible कि ये welfare के लिए करी जाए, but not always. Next, transactions made independently. ये हमने पढ़ लिया. Autonomous का मतलब ही independent होता है. इसमें सिर्फ official, only word वाली तो वैसे ही. Only word वाले जो statements होती हैं, you need to read them very carefully. Only हो गया, या फिर जैसे अगर हम only word use कर लें, तो only का मतलब हो जाता है कि सिर्फ यही वाली बात हो रही है यहाँ पे, right? So only जैसे कोई भी अगर words है जो सिर्फ इसको रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, वो हमारा पार्ट नहीं होते स्टेटमेंट के. एंड इसमें तो बिल्कुल नहीं है, इसमें सिर्फ ऑफिशियल रिजर्व वाली ट्रांजैक्शन आएंगी. दिस इज नॉट नेसेसरी. सो माय करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए एंड सी, दैट इज ऑप्शन नंबर बी. ठीक है. सो ऑटोनॉमस होती है, एक होती है अकोमोडेटिंग आइटम्स, उनकी भी आगे टर्न आएगी. ठीक है. सो यू नीड टू जस्ट अंडरस्टैंड देयर डिफरेंस. ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है बीओपी का. ये दो अलग अलग टाइप ऑफ आइटम्स होती हैं जिन्हें हम कंसिडर करते हैं. आगे मैं बताऊंगी आपको अकोमोडेटिंग का भी. बीओपी सरप्लस कब होता है? बीओपी का सरप्लस, देखो सरप्लस वर्ड का मतलब ये होता है जब हमारी रिसीट हमेशा ग्रेटर होगी पेमेंट से. ये तो चीज हमें अंडरस्टूड है. हमें कभी भी कोई भी बजट है, कोई भी स्टेटमेंट है, उसमें सरप्लस हमें कब दिखेगा? जब हमारी रिसीट ग्रेटर है पेमेंट से. सो यहाँ पे अगर अब मुझे सिर्फ ये देखना है कि मेरी कब कब रिसीट ग्रेटर हो रही है. पेमेंट ज्यादा है रिसीट से, ये तो हमने बोला ही नहीं. हमने क्या बोला है? रिसीट ज्यादा होनी चाहिए. ऑटोनॉमस रिसीट, यहाँ पे अलग अलग टाइप की बात हो रही है. एक में ऑटोनॉमस, एक में अकोमोडेटिंग, दोनों का मीनिंग डिफरेंट होता है. सो यहाँ पे दोनों को हम ऐसे एक साथ नहीं ले सकते, राइट? अब रिसीट और पेमेंट को देख के इसको टिक मत कर देना, क्योंकि यहाँ पे दो अलग अलग टॉपिक्स की बात हो रही है. हम दो अलग अलग टॉपिक्स को कंपेयर नहीं कर सकते. ऑटोनॉमस रिसीट अगर मोर है ऑटोनॉमस पेमेंट से, नाउ दिस इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि इसमें हम सिर्फ ऑटोनॉमस की बात कर रहे हैं. सो ऑप्शन नंबर सी इज माई करेक्ट आंसर. नाउ वी कम टू द टॉपिक आई वॉज टॉकिंग अबाउट, कि अकोमोडेटिंग आइटम्स कौन से होती है. अकोमोडेट का मतलब होता है कंपनसेट करना. ठीक है, किसी भी चीज को अगर हम कंपनसेट कर रहे हैं, दैट इज बेसिकली अकोमोडेटिंग आइटम. अकोमोडेटिंग का मतलब होता है अगर हमारा बीओपी का बैलेंस इन एनी केस नेगेटिव है, या बीओपी हमारा अनफेवरेबल चल रहा है. जैसा एक कंट्री चाहती है बीओपी को, वो वैसा नहीं चल रहा है, देन हम अकोमोडेटिंग आइटम्स को लेकर आते हैं अकोमोडेट करने के लिए. जैसे कि इसमें हम ले सकते हैं बोरिंग्स, या कोई भी ऐसी आइटम्स जो हमारे लॉस को कम करेंगी, जो हमारे डेफिसिट को कम करेंगी. ठीक है, और हमारे डेफिसिट को, हमारे लॉस को कौन सी चीजें कम कर सकती हैं? अगर मैंने एनी केस बोरोइंग करी कंट्रीज से, दूसरी कंट्री के गवर्नमेंट से, वर्ल्ड बैंक से, आईएमएफ से, अगर मैं किसी भी टाइप की बोरोइंग करती हूँ टू ब्रिंग माई बीओपी इन अ फेवरेबल कंडीशन, तो वो उनको हम अकोमोडेटिंग आइटम्स बोलते हैं. ये अकोमोडेटिंग आइटम है हमारी, राइट? ओके, सो बेसिकली अकोमोडेटिंग आइटम्स कौन सी होती है, लेट्स सी. Meant to restore the BOP balance, ठीक है, ये हमारे BOP के balance को ठीक करने के लिए ही बनी है, right? Completely correct. Next, the cause of BOP imbalance, क्या इनकी वजह से BOP imbalance हुआ है? No, ये actually हम तब करते हैं जब हमें अपने BOP को balance करना हो. ठीक है, already actually accommodating items की introduction question यहाँ पे तब होती है जब already BOP imbalance हुआ है. ठीक है, तो ये आइटम्स को इंट्रोड्यूस तब करा जाता है जब बीओपी नेगेटिव में चल रहा हो. सो दे आर नॉट द रीजन फॉर द इम्बैलेंस इन बीओपी. मेंट टू करेक्ट द बीओपी इम्बैलेंस, ये ठीक है, रिस्टोर हो या करेक्ट हो वो एक ही बात है, ठीक ही करना है हमने दोनों केसेस में. सो माय करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए एंड सी, दैट इज बोथ ए एंड सी. ऑप्शन नंबर डी मेरा करेक्ट आंसर है यहाँ पे, जो ये कह रहा है दैट अकोमोडेटिंग आइटम्स रिस्टोर भी करती हैं और करेक्ट भी करती हैं. बोथ एफडीआई एंड एफआईआई आर रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट इन अ कंट्री. व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिप्रेजेंट्स एन इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन द टू. अब ये कह रहे हैं कि हमारे पास दो तरह की चीजें होती हैं, एक तो होती है एफडीआई, एक होती है एफआईआई. एफडीआई और एफआईआई दोनों इन्वेस्टमेंट से ही रिलेटेड है. इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ऐसी है जो बेस्ट रिप्रेजेंट करती है दोनों के डिफरेंस को? ओके, FII helps bring better management skills and technology, while FDI only brings in capital. आपको नहीं लग रहा है ये एकदम उल्टा लिखा हुआ है?
हमारी गवर्नमेंट, हमारी कंट्री एफडीआई को क्यों सपोर्ट करती है? क्योंकि एफडीआई हमारी कंट्री में बेटर मैनेजमेंट स्किल्स भी लेकर आता है एंड टेक्नोलॉजी भी लेकर आता है. हाउ? अब ये हाउ का ध्यान से सुन लो. यहाँ पे हाउ में क्यों कह रही हूँ, दैट बेटर मैनेजमेंट स्किल्स कैसे? एफडीआई का मतलब है कोई भी इन्वेस्टर यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा है, अपनी ब्रांचेस ओपन कर रहे हैं, सो बेसिकली मैनेजमेंट स्किल्स बेटर हो गई. अगर बाहर के लोग यहाँ पर आकर इन्वेस्ट करके अपनी मैनेजमेंट खोल लेंगे यहाँ पे, ठीक है, अपनी इंडस्ट्रीज, अपनी बिल्डिंग्स, कंपनीज ओपन करेंगे, सो मैनेजमेंट स्किल्स बेटर होंगी एंड वो बेटर टेक्नोलॉजीज भी लेकर आएंगे. सो ये पॉइंट गलत हो गया, ये ऑपोजिट लिखा हुआ है. एफआईआई हमेशा कैपिटल लेकर आता है और एफडीआई हमेशा बेटर मैनेजमेंट स्किल्स लेकर आता है. FII helps in increasing capital availability in general, while FOI, FDI only targets the specific sectors. FII helps in increasing the capital availability in general. अच्छा, FII का मीनिंग होता है foreign institutional investment. यहाँ पे क्या होता है कि normally जैसे किसी भी company के shares हो गए, उनके bonds हो गए, तो जब foreign investors उसमें invest करते हैं वो general अवेलेबिलिटी इंक्रीज हो रही है कैपिटल की. लेकिन एफडीआई किसमें इंक्रीज होती है? एफडीआई का मतलब है जैसे सपोज सिर्फ मोबाइल फोन्स में, या फिर टेलीकॉम इंडस्ट्री कह सकते हो आप, या ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री, ठीक है. सो दीज आर द वेरियस इंडस्ट्रीज जिसके अंदर एफडीआई हो सकता है. ये मैंने स्पेसिफाई कर दिया कि हाँ एफडीआई इन सेक्टर्स की बात हो रही है, कि एफडीआई इनको टारगेट कर रहा है. सो दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट. आगे भी पढ़ लेते हैं एक बार. एफडीआई फ्लो करता है सेकेंडरी मार्केट में. सेकेंडरी मार्केट में होते हैं शेयर्स. सेकेंडरी मार्केट क्या मतलब होता है? जहां पे हम इन्वेस्ट कर रहे हैं कोई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग आइटम्स में. जैसे मैंने किसी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट कर दिया, मैंने उनके बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर दिया, राइट. सो एफआईआई टारगेट्स द, ये टारगेट्स है. FII क्या टारगेट करता है? सिर्फ प्राइमरी मार्केट को. प्राइमरी मार्केट कौन सी होती है? इन विच द शेयर्स हैव बीन ट्रेडेड फॉर द फर्स्ट टाइम. तो ऐसा कुछ नहीं है कि FII हमेशा प्राइमरी को ही करेगा. इनफैक्ट ये उल्टा लिखा हुआ है. अगेन FDI जो है वो प्राइमरी मार्केट को टारगेट करता है, जो न्यू मार्केट अभी स्टार्ट होने वाली है. जैसे कोई भी न्यू टेलीकॉम सेक्टर में कोई न्यू एंट्री आना चाहती है, सो FDI हम उसमें करते हैं. FII होती है जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग चीजों में होती है, जैसे शेयर्स, बॉन्ड्स, ठीक है. FII is considered to be more stable than FDI. FDI actually more stable होती है. FII हमारी थोड़ी comparatively less stable होती है, because shares and all के जो prices होते हैं, आपने देखा होगा share market बहुत ही unstable and risky market है. यहाँ पे risk factor बहुत बड़ा होता है. आपको नहीं पता कब आपके shares की value एकदम zero हो जाएगी, right? कब shares down हो जाएंगे. So FII shares से related है, और जो भी चीज शेयर्स से रिलेटेड होगी वो कभी स्टेबल हो ही नहीं सकती. सो दिस इज आल्सो रॉन्ग, राइट. सो ऑप्शन नंबर बी इज माय करेक्ट आंसर. बीओपी इक्विलिब्रियम में कब होता है? बीओपी इक्विलिब्रियम में तब होता है जब हमारे सी, मतलब करंट अकाउंट प्लस कैपिटल अकाउंट, जीरो के इक्वल होते हैं, ठीक है. इसका मतलब क्या हुआ कि अगर करंट अकाउंट में मेरा इन एनी केस 200 करोड़ का लॉस हो रहा था, तो वो लॉस जो है वो कैपिटल अकाउंट से फुलफिल हो गया, फिनिश हो गया, ठीक है. 200 करोड़ में कैपिटल अकाउंट में बेनिफिट हो गया था, इसमें लॉस हो गया, तो अल्टीमेटली आंसर जीरो आ गया. दैट मींस हमारी जो इकोनॉमी है, हमारी जो बीओपी है कंट्री की, दैट इज स्टेबल, वो इक्विलिब्रियम में है. एक्सपोर्ट ऑफ मर्चेंडाइज इंक्लूडिंग कैपिटल गुड्स इज लेस देन इम्पोर्ट ऑफ. अगर वो कह रहे हैं कि एक्सपोर्ट अगर कभी भी इम्पोर्ट से कम है, तो मुझे पता है कि यहाँ पे क्या होगा, मेरी बीओटी अनफेवरेबल होगी. सिंस दे आर ओनली टॉकिंग अबाउट एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट है, तो मैं यहाँ पे बीओटी की बात कर दूंगी, इट्स फाइन. वैसे भी मेरे ऑप्शंस में सबसे परफेक्ट यही है, ठीक है. एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट कैपिटल अकाउंट से लिंक्ड नहीं होते, करंट अकाउंट से लिंक्ड होते हैं. तो सी और डी तो दोनों ही गलत है, मैं आगे पढ़ूंगी ही नहीं. जैसे ही मैंने कैपिटल अकाउंट देख लिया, आई विल जस्ट क्रॉस देम आउट, क्योंकि एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट जो इस क्वेश्चन में जिसकी बात हो रही है, दे आर नॉट अ पार्ट ऑफ दिस. Next is government of India does not allow FDI 100% FDI in all the sectors. सही बात है, government सारे sectors में FDI allow नहीं करती, ठीक है. सिर्फ कुछ ही sectors में allowed होता है that a foreign investor can invest. यहाँ पे foreign direct investment कुछ ही sectors में allowed होती है. क्यों? Let's see क्या ये reason सही है या नहीं. Foreign investment also involves transfer of ownership of an asset. तो ठीक है, ये देखो ये दोनों completely related है.
पहले मैंने ये देख लिया कि ये करेक्ट स्टेटमेंट है, ये भी करेक्ट है, फिर बाद में मैंने क्या देखना है कि क्या ये दोनों लिंक्ड है, क्या ये मेरा assertion और ये मेरा reason दोनों लिंक्ड है या नहीं। सो मैंने यहाँ पे देखना स्टार्ट कर दिया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अलाउ नहीं करती, कम्प्लीटली करेक्ट। नेक्स्ट इज क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट ओनरशिप भी दे देती है उन्हें, ठीक है, जो पर्सन यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा है वो उसका ओनर भी बन जाएगा। अगर वो किसी चीज को खरीद रहा है या कोई भी इंडस्ट्री स्टार्ट कर रहा है तो इसका मतलब हमारी कंट्री में उसको ओनरशिप मिल गई उस चीज की, ठीक है, वो ओनर है उस चीज का, हमारी कंट्री के नहीं चलेगी फिर उस चीज पे, राइट। सो इट इज कम्प्लीटली द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। बीओपी डिसइक्विलिब्रियम में कब है? अब हमने इक्विलिब्रियम पढ़ लिया तो डिसइक्विलिब्रियम यू कैन ऑलरेडी रीड फ्रॉम हियर, देखते हैं। जब करंट अकाउंट बैलेंस नॉट इक्वल टू जीरो है, ठीक है, ये भी डिसइक्विलिब्रियम होगा। अगर करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट ऐड करके कोई पॉजिटिव नंबर आ गया तब भी डिसइक्विलिब्रियम है, कोई नेगेटिव नंबर आ गया तब भी डिसइक्विलिब्रियम है। दैट मींस माय करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ दीस, ऑप्शन नंबर डी। इन सब केसेस में ही ये पता चल रहा है कि हमारी बीओपी डिसइक्विलिब्रियम है। करंट अकाउंट डेफिसिट कब होता है? करंट अकाउंट डेफिसिट होता है व्हेन, लेट्स सी ऑल द ऑप्शंस, करंट अकाउंट रिसीट्स आर मोर देन द करंट पेमेंट्स, रिसीट पेमेंट्स ज्यादा है, रिसीट पेमेंट्स ज्यादा है, वैल्यू ऑफ विजिबल एक्सपोर्ट्स इज ग्रेटर देन द वैल्यू ऑफ इनविजिबल इंपोर्ट्स, विजिबल एक्सपोर्ट हमारी ग्रेटर है इनविजिबल इंपोर्ट से। सो अच्छा नेक्स्ट देखते हैं, वैल्यू ऑफ फॉरेन बोरोइंग इज ग्रेटर देन फॉरेन इन्वेस्टमेंट, बोरोइंग हमारी इन्वेस्टमेंट से ग्रेटर है। अब मुझे ये चीज लिखने की भी यहाँ पे नीड नहीं है बिकॉज जैसे ही मैंने बोरोइंग वर्ड देखा, इन्वेस्टमेंट वर्ड देखा, मुझे समझ आ गया ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता बिकॉज ये जो ऑप्शन है ये कैपिटल अकाउंट से लिंक्ड है, इसका करंट अकाउंट से कोई लिंक ही नहीं है, राइट। ओके नेक्स्ट इज नन ऑफ द अबव। सो करंट अकाउंट डेफिसिट मेरा किस केस में होगा? करंट अकाउंट डेफिसिट मेरा किसी भी केस में नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि फर्स्ट केस में, सो दिस इज माय करेक्ट आंसर, फर्स्ट केस में रिसीट मोर है तो वैसे ही डेफिसिट नहीं होने वाला, नेक्स्ट में एक्सपोर्ट मोर है तब भी नहीं होगा, राइट। सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब आता है एक इंडियन रियल एस्टेट कंपनी है, उन्होंने रेंट रिसीव हुआ गूगल से रिसीव हुआ, दिस ट्रांजेक्शन वुड बी रिकॉर्डेड ऑन डैश साइड ऑफ डैश अकाउंट। अब बताओ कौन से अकाउंट की कौन सी साइड पे, कौन सा अकाउंट मतलब करंट और कैपिटल, और कौन सी साइड मतलब डेबिट और क्रेडिट। सो दिस इज व्हाट यू नीड टू आंसर हियर। अब यहाँ पे क्या होगा, अगर कोई भी इंडियन कंपनी को न्यूयॉर्क से मिल रहा है रेंट तो ये अच्छी चीज है, क्रेडिट साइड पे ही आएगा, हमारा लॉस तो है नहीं इन एनी केस। और ये कोई भी नॉर्मल पेमेंट, ये जैसे मुझे रेंट रिसीव हुआ है, सो दिस इज डेफिनेटली माय करंट अकाउंट। ये सारी करंट वाली ट्रांजेक्शंस होती है, शॉर्ट टर्म वाली हमारी, ठीक है। सो ये जो शॉर्ट टर्म वाली ट्रांजेक्शंस होती है ये हम करंट में लिखते हैं, अनलेस एंड अंटिल दे आर टॉकिंग अबाउट इन्वेस्टमेंट लोन्स बोरोइंग्स, वो कैपिटल में नहीं आती। सो ऑप्शन नंबर ए इज माय करेक्ट आंसर, दैट इज क्रेडिट एंड करंट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है? Borrowings from the ADB, ADB bank कौन सा होता है? Asia Development Bank by the government is an accommodating transaction. सही बात है, अगर हम कोई भी borrowings कर रहे हैं, मैंने आपको पहले ही बता दिया है borrowings word आपने जहां भी पढ़ा आपको पता चल जाना चाहिए कि वो accommodating है। अगर हमने loans दिए भी हैं to Sri Lanka by the government are an accommodating transaction. यहाँ पे क्या है कि हमने श्रीलंका को लोन्स दिए हैं, हम उनकी उनकी भी कंपनसेशन करवा रहे हैं, सो ये भी अकोमोडेटिंग है अगर हम लोन्स दे रहे हैं या ले रहे हैं। बाइंग ऑफ मशीनरी फ्रॉम जापान, हो सकता है हमारा जो मशीन का जो अकाउंट है यहाँ पे, हमारी मशीनरी काफी आउटडेटेड है, अगर हम उसको बाय कर रहे हैं तो वो भी हम कंपनसेट कर रहे हैं अपने लॉसेस को, तो ये भी ठीक है। ओके सो बोरोइंग फ्रॉम द पब्लिक इज एन अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन, यहाँ पे जो हम बोरो कर रहे हैं से वो चीज हम यहाँ पे अकोमोडेटिंग में नहीं मानते, ठीक है, वो नॉर्मल पब्लिक से बोरोइंग हो रही है, उससे कोई कंपनसेशन नहीं हो रहा, ठीक है, दिस इज नॉट नोन एज एन अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन। आइडेंटिफाई व्हिच इज द बैलेंसिंग आइटम दैट इज यूज्ड टू बैलेंस द बैलेंस ऑफ पेमेंट डिसइक्विलिब्रियम, कौन सी यहाँ पे बैलेंस ऑफ पेमेंट डिसइक्विलिब्रियम को मैच करेगी, मतलब कौन सी आइटम को हम यूज करेंगे कि हम बैलेंस ऑफ पेमेंट डिसइक्विलिब्रियम को फिनिश कर पाए या उसको बैलेंस कर पाए। कैपिटल अकाउंट में हम ऐसा कुछ नहीं बोल सकते कि इससे हमेशा बैलेंस ही होगा, करंट में भी जरूरी नहीं है। एरर्स एंड ओमिशंस, ठीक है, हम एरर्स और ओमिशंस को
ठीक कर दें, अगर कोई हमने आइटम्स ओमिट कर दी हैं उन्हें करेक्ट कर दें, तो हो सकता है हमारा डिसइक्विलिब्रियम फिनिश हो जाए। ठीक है, समटाइम्स व्हाट हैपेंस, ये जो डिसइक्विलिब्रियम दिखता है हो सकता है ये बाय मिस्टेक हो, सो ये मिस्टेक्स अगर हम करेक्ट कर देंगे देन वी कैन कम आउट ऑफ द सिचुएशन। गिफ्ट्स एंड रेमिटेंसेस हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, हम हमेशा इन्हें टू अब्रॉड। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, टू एंड फ्रॉम वाला वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये मैथमेटिक्स में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी इंपॉर्टेंस होती है वहां पे भी और यहाँ पे भी है। टू का मतलब होता है, यहाँ पे टू का मीनिंग क्या है, हमने अब्रॉड में दी है ट्रांजेक्शन्स, मतलब की है अब्रॉड के साथ, हमने गिफ्ट भेजे हैं अब्रॉड, तो ये क्या है हमारे यहाँ से तो निकल रहा है ना, राइट। सो यहाँ से अगर निकल रहा है तो हमारे करंट अकाउंट के तो डेबिट साइड पे आएगा, क्योंकि हमें कोई बेनिफिट नहीं हुआ, अगर हम दे रहे हैं तो मेरा अकाउंट तो डेबिट हो गया है इस साइड से, सो दैट इज वाई। अगर हम कंट्री में मेक इन इंडिया करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मेक इन इंडिया कैंपेन जो स्टार्ट हुआ है इन 2017 इन इंडिया, कि हम हर चीज इंडिया में ही बनाएंगे एंड वी विल रिड्यूस आवर इम्पोर्ट्स टू मिनिमम, इससे किस चीज का बैलेंस इंक्रीज होगा, इससे डेफिनेटली हमारा क्रेडिट साइड का बैलेंस इंक्रीज होगा। डेबिट का बैलेंस इंक्रीज करने से हमें लॉस होता है, बेनिफिट नहीं होता, सो यहाँ पे बेनिफिट की बात हो रही है। मेक इन इंडिया एक अच्छी चीज है, तो अच्छी चीज से हम बेनिफिट कैसे लेंगे, दैट यू नीड टू फाइंड। नेक्स्ट इज, अगर हमें कहीं भी ट्रेड डेफिसिट, अगर कभी भी ये लगा गवर्नमेंट को दैट दे आर फेसिंग अ ट्रेड डेफिसिट एंड उनके इम्पोर्ट अगर इतने हैं, तो वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट क्या 2000 होगी। Now they are asking you true and false question, क्या ये सही value है या नहीं। Let's see, यहाँ पे बोला गया है कि trade deficit TD की value है, TD actually trade deficit होता कब है, जब हम export minus import करते हैं, right? ठीक है, मतलब export minus import करके हमारे पास deficit या surplus आता है, ठीक है। और deficit word कब होता है, जब import more है export से। इसका मतलब ट्रेड डेफिसिट का फॉर्मूला क्या होता होगा, इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट, इंपोर्ट ज्यादा थे तो हम ज्यादा में से ही कम को माइनस करेंगे। यहाँ पे ये 1500 है, इंपोर्ट मेरे मुझे पता है दैट इज 3500 एंड एक्सपोर्ट इज समथिंग वी नीड टू फाइंड। मैं यहाँ पे चेक कर रही हूँ कि क्या मेरा आंसर ये आ रहा है, तो एक्सपोर्ट को वहां ले जाते हैं, इसको वहां ले जाते हैं, एक्सपोर्ट की वैल्यू आ जाएगी 2000 करोड़, दिस इज द आंसर। तो क्या ये सही है, एकदम सही है, एक्सपोर्ट हमारे 2000 ही होंगे, इतना क्लियर है। ट्रेड डेफिसिट 1500 है, इंपोर्ट 3500 है, तो हमने इस फॉर्मूला में पुट कर दिया। ये एक ऐसा फॉर्मूला है, आपको क्रैम नहीं करना है, आपको सिर्फ ये समझनी है सिचुएशन कि एक्चुअली सरप्लस या डेफिसिट कब होता है रिलेटेड टू एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। एक्सपोर्ट ज्यादा है तो अच्छी चीज है, सरप्लस हुआ, इम्पोर्ट ज्यादा है तो अच्छी चीज नहीं है, डेफिसिट होगा। सो बस वो फॉर्मूला में यू नीड टू जस्ट पुट द वैल्यूज and you will get the answer of export. हो सकता है इसमें trade deficit missing हो, surplus missing हो, so you can just apply it by relating it to the situation कि actual में क्या हो रहा है situation में, ठीक है? Fine, so I hope you've understood all the questions. So this was all from this topic. I'll see you again in the next video.